हेलो फ्रेंड्स, दुनिया में चाहे कोई आदमी कितना भी इंट्रोवर्ट हो, लेकिन जब बात पहाड़ों पर घूमने की आती है तो सबका मन वहां पर घूमने का होता है, क्योंकि जहां ठंड में लोग वहां पर बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं, तो वहीं गर्मियों में गर्म जगह के लोग छुट्टियां बिताने के लिए पहाड़ों पर आते हैं। आज हम आपको हमारे देश भारत के कुछ ऐसे ही 10 खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं, जिनको आप जन्नत कह सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। नंबर 10, मनाली। मनाली हमारे देश में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ रोहतांग पास के चारों ओर गर्म पानी के झरने पर्यटकों के लिए मनमोहक दृश्य बनते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, नदी, झरने और कैफे यहाँ पर पर्यटकों को आने के लिए आकर्षित करते हैं, जहाँ पर न केवल हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो एक बार कुल्लू मनाली घूमने के लिए जरूर आए। ये जगह नेचुरल और एडवेंचरस लाइफ जीने वालों के लिए बेहद खास है। इसके अलावा अगर आप छुट्टी बिताने के लिए एक अच्छी सी जगह देख रहे हैं तो मनाली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप यहाँ पर गर्मियों में आते हैं तो आप यहाँ पर आकर पैराग्लाइडिंग, सोबिंग, साइकिलिंग, माउंटेनिंग, बाइकिंग और घुड़सवारी का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 9, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित भारत का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। आपको जानकर हैरानी होगी, दार्जिलिंग समुद्र से लगभग 2042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ बेहद अनोखी लगती हैं। हिमालय में बसा हुआ दार्जिलिंग पर्यटकों के लिए कोई जन्नत से कम नहीं है। न केवल पिछले कुछ समय से बल्कि इसको पहले से ही टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। जब हमारा देश भारत अंग्रेजों की कैद में था, तब भी दार्जिलिंग शहर को एक बेहतर टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता था। यहाँ की स्पेशल चाय का बागान और क्वालिटी चाय पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। साल 2007 में आई हॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म में यहाँ से बेहद सारे सीन दिए गए हैं, जैसे कि द दार्जिलिंग लिमिटेड में फेमस दार्जिलिंग हिमालय एंड रेलवे को दिखाया गया है। दरअसल आपको बता दें, जब ट्रेन यहाँ के पहाड़ों से गुजरती है तो नज़ारा देखने के लायक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्फी और जग्गा जासूस जैसी फिल्मों की शूटिंग भी दार्जिलिंग में ही हुई है। दार्जिलिंग के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपके मन में भी यहाँ आने का ख्याल तो जरूर आ रहा होगा। अगर आप यहाँ घूमने के लिए आए तो यहाँ की ट्रेन में सफर जरूर करें। नंबर 8, मसूरी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की गोद में बसा मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हिल स्टेशन हनीमून से लेकर फैमिली के साथ घूमने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। मसूरी की खूबसूरत वादियाँ, प्राकृतिक सौंदर्य, स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर पर्यटकों को आने के लिए आकर्षित करता है। इसलिए तो मसूरी में हर साल लाखों की संख्या में विजिटर्स घूमने के लिए आते रहते हैं। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसे लाल पहाड़ी भी कहा जाता है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के सभी प्रसारण यहीं पर स्थित हैं। आपको बता दें, यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भारतीय सेना तैनात है, लेकिन आप टेलीस्कोप की मदद से लाल टिब्बा के अनोखे दृश्य का नज़ारा जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप झरने का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कैम्प्टी फॉल्स बेहद ही फेमस झरना है। आपको जानकर हैरानी होगी, कैम्प्टी फॉल में 40 धाराओं में पानी गिरता है और नीचे जाकर 7 धाराओं में बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कैमल बैक रोड और LBSNNA स्थित है। आपको बता दें, LBSNNA में ही हमारे देश के IS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा सर्दियों में यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। अगर आप बर्फीले पहाड़ का आनंद उठाना चाहते हैं तो एक बार सर्दियों में मसूरी घूमने जरूर आएं। नंबर 7, गंगटोक। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी है। वैसे तो सिक्किम पूरा ही हिल स्टेशन है, लेकिन सिक्किम की राजधानी गंगटोक एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये शहर रानीपुल नदी के पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कंचनजंगा पर्वत श्रेणी साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का नजारा बेहद खूबसूरत और अनोखा होता है। इसका नजारा पर्यटकों के मन को अपनी तरफ खींच लेता है और उनको यहाँ से आने को मन भी नहीं करता। गंगटोक में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा मानो आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। जहाँ के प्राचीन मंदिर, मठ, मखमली घास और यहाँ के बगीचे आपको अलग दुनिया का एहसास कराते हैं। नंबर 6, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में स्थित इकलौता हिल स्टेशन है। जहाँ पूरे राजस्थान में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहीं माउंट आबू में तापमान कम रहता है।
आपको बता दें, कई सालों पहले जब राजस्थान के महाराजा गर्मी से बेहाल हो जाते थे तो राहत पाने के लिए वो भी माउंट आबू ही आया करते थे। पहाड़ों से घिरा हुआ ये हिल स्टेशन सुंदर कलाकृति वाले मंदिरों से घिरा हुआ है। ये जगह न केवल हिंदू धर्म बल्कि जैन धर्म के लोगों के लिए भी बेहद खास है। इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति का नजारा भी आप इस हिल स्टेशन पर पा सकते हैं। नंबर 5, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसकी खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको हमारे देश भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर बर्फीले पहाड़, हरी भरी घास, सुंदर झरने और यहाँ के सुंदर दृश्य इस हिल स्टेशन की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो फिर आपको जरा सी भी थकान महसूस नहीं होगी, आपका यहाँ से वापस जाने का मन भी नहीं करेगा। नंबर 4, ऊटी। ऊटी तमिलनाडु में स्थित एक बेहद अनोखा और खूबसूरत हिल स्टेशन है। आपको बता दें, न केवल तमिलनाडु बल्कि ये हिल स्टेशन कर्नाटक राज्य की सीमा से सटा हुआ है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बस, एरोप्लेन या ट्रेन कैसे भी आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की ट्रेन में एक बार जरूर सफर करें। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ का मौसम गर्मी हो या सर्दी हमेशा ठंडा और खुशनुमा रहता है, इसलिए आप अपने साथ सर्दियों के कपड़े जरूर रखें। बॉटनिकल गार्डन, ऊटी झील और कौलहट्टी वाटरफॉल यहाँ की कुछ फेमस घूमने की जगह है। नंबर 3, नैनीताल। नंबर 3 पर एक बार फिर से उत्तराखंड का ही हिल स्टेशन है। नैनीताल को अपनी खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड का ये हिल स्टेशन टूरिस्टर की फेवरेट प्लेस है। अगर आप अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ घूमने आना चाहते हैं तो नैनीताल हिल स्टेशन आपके लिए बेस्ट जगह हो सकती है। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये गर्मियों के टाइम पर भी ठंडा रहता है। अगर आप यहाँ पर आने की सोच रहे हैं तो यहाँ के अनोखे मौसम का नजारा लेने के लिए गर्मियों में आएं। नंबर 2, शिमला। दरअसल हिमाचल प्रदेश के इस छोटे से हिल स्टेशन को क्वीन ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ये शहर इतना सुंदर है कि इसकी सुंदरता को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ की हर चीज अनोखी है। यहाँ का मौसम हर समय सुहावना रहता है। सर्दियों में तो यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। अगर आप यहाँ पर घूमने की सोच रहे हैं तो यहाँ की मुख्य टूरिस्ट प्लेस माल रोड, जाखू मंदिर, मशोबरा और कुफरी है। नंबर 1, श्रीनगर। दोस्तों आपको बता दें, किसी महापुरुष ने कहा था, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही है। दरअसल ये जगह है ही इतनी खूबसूरत, ये किसी स्वर्ग से कम थोड़े है। यहाँ की सुंदर झीलें, धार्मिक स्थान, चारों ओर हरी भरी वादियाँ यहाँ पर टूरिस्ट को आने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आतंकवाद की वजह से यहाँ पर पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं तो आप एक बार श्रीनगर घूमने जरूर आएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते हमें ये जरूर बताइएगा कि आप इन 10 हिल स्टेशन में से कहां पर जाने की तैयारी कर रहे हैं।